हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश का भाग एक डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एमपीपीएससी के सिलेबस के अनुसार प्रमुख राजवंश पूछे जाएंगे और मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण घटनाएं भी पूछी जाएगी, तो ये सब लेक्चर मैंने डाल चुका हूँ। इस लेक्चर में मैं राजवंश डिस्कस करूंगा, मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश, ये भाग पहला होगा। इसके बाद भाग दो आएगा और पूरे राजवंश कवर हो जाएंगे। तो ये वाला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। आप ये वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, एक बार समझ में आपको आएगा ही आएगा। तो ये लेक्चर में प्रमुख राजवंश डिस्कस करते हैं। ये लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, और प्लेलिस्ट में जाके, हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे प्रीवियस वीडियो को देखें। तो आइए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश का भाग एक। इसमें हम प्राचीन इतिहास से शुरू करेंगे, महाकाव्य काल से लेकर गुप्त काल तक की बात की जाएगी इसमें। तो आइए शुरू करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। तो देखिए आगे चलते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। अब बात करते हैं, देखिए महाकाव्य काल की। तो ये महाकाव्य काल से शुरू हुआ है। तो महाकाव्य काल क्या होता है फ्रेंड्स? महाकाव्य काल से तात्पर्य है, रामायण और महाभारत के समय का काल, तो उसके बारे में पढ़ते हैं यहां पे थोड़ा सा। तो रामायण काल में प्राचीन मध्य प्रदेश के अंतर्गत महाकांतरा के घने वन थे। उस टाइम पे यहां पे महाकांतरा के घने वन थे। यदुवंशी राजा नरेश इस क्षेत्र का शासक थे। जो अयोध्या के राजा दशरथ के समकालीन थे। राम ने अपने वनवास का कुछ समय दंडकारण्य वर्तमान छत्तीसगढ़ में बिताया था। ये दंडकारण्य इंपॉर्टेंट है। दंडकारण्य के वन कहां पर है, अगर क्वेश्चन आ जाता है छत्तीसगढ़ में। वैसे तो दंडकारण्य के जो वन थे ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के राज्य के हिस्से शामिल थे इसमें, लेकिन दंडकारण्य अब क्या था? तो दंडकारण्य जो था वो दंडकारण्य के वन जो थे वो विंध्याचल पर्वत से गोदावरी तक फैला हुआ प्रसिद्ध वन था। दंडकारण्य वर्तमान में अब छत्तीसगढ़ में है, में बताया था। तो आया समझ? जो अयोध्या के राजा दशरथ के समकालीन थे, राम ने अपने वनवास का कुछ समय दंडकारण्य में बिताया था। शत्रुघ्न जो थे ये राजा दशरथ के चौथे पुत्र और भगवान राम के छोटे भाई थे। तो ये आप जानते होंगे शत्रुघ्न के बारे में, रामायण देखे होंगे आपने। तो शत्रुघ्न राजा दशरथ के चौथे पुत्र और राम के छोटे भाई थे। तो शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती, क्या नाम था उसका? शत्रुघाती ने विदिशा पर शासन किया था, यानी दर्शाण विदिशा पर शासन किया था। यह क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने दर्शाण वर्तमान विदिशा पर शासन किया था। कहां पर शासन किया था ऐसा पूछा जाता है? जिसकी राजधानी कुशावती थी, इंपॉर्टेंट है। जो दर्शाण था इसकी राजधानी कुशावती थी। पुराणों में वर्णित है कि विंध्य प्रदेश व सतपुड़ा के वनों में कभी निषाद जाति के लोग निवास करते थे। तो यह ऐसा पुराणों में वर्णित है कि विंध्याचल व सतपुड़ा वनों के में कभी निषाद जाति के लोग निवास करते थे, जिनका आर्यों से अच्छा संबंध था। जो आर्य लोग आए थे भारत मध्य एशिया से, उनसे अच्छा संबंध था। तो यहां से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में बन सकते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखना है। अब आगे चलते हैं, महाभारत की बात करते हैं। महाभारत के युद्ध में इस क्षेत्र के राजाओं का भी अच्छा योगदान रहा है। इस युद्ध में वत्स, काशी, चेदी, दर्शाण, मत्स्य जनपदों के राजाओं ने पांडवों का साथ दिया था। यह इंपॉर्टेंट है, पांडवों का साथ दिया था। जो पांडवों का युद्ध हुआ था पांडवों का साथ दिया था। वहीं महिष्मति के नील, अवंती के बिंद, भोज और अंधक, विदर्भ व निषाद
जाति के निषाद के राजाओं ने कौरव की तरफ से लड़ा था। तो ये याद रखना है, इनने कौरव की तरफ से लड़ा था। और क्या क्या समझ में आया कि यहां पे सबसे पहले तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच में हुआ था। इस युद्ध में पांडव की जीत हुई थी। तो दोनों के बीच हुआ था, पांडवों और कौरवों के बीच हुआ, तो किसके ने किसके तरफ से लड़ा वो बात कही गई है। इस युद्ध में वत्स, काशी, छेदी, दर्शन, मत्स्य जनपद के राजाओं ने पांडवों का साथ दिया था। वहीं माहिष्मति के नील, अवंती के बिंद, भोज, अंधक, विदर्भ और निषाद के राजाओं ने कौरव की तरफ से लड़ा था। तो ये याद समझ में आ गया आपको, इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी। तो अब आगे चलते हैं। पांडवों ने अपने अज्ञात वर्ष की बात हो रही है यहाँ पे। आप जानते होंगे अगर महाभारत देखे हैं तो पांडवों ने 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास किया था। तो पांडवों ने अपने अज्ञात वर्ष का कुछ समय यहाँ के वनों में बिताया था, व्यतीत किया था। यहाँ के वन यानी अपने मध्य प्रदेश के वन में व्यतीत किया था। कुंतालपुर जो कौड़िया है, विराटपुरी जो सोहागपुर, और माहिष्मती जो महेश्वर व उज्जैन महाकाव्य काल के प्रमुख नगर थे। तो महाकाव्य काल से इतना ही है फ्रेंड्स जो सामने याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन डीपली बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में। मैंने बता दिया महाकाव्य काल क्या होता है ना, बताया ना, महाकाव्य काल से तात्पर्य रामायण और महाभारत के समय से है। तो यह महाकाव्य काल था जो यहां सामने बताया गया है। अब बात चलते हैं अपन आगे, अब चलते हैं प्राचीन जनपद की। तो पहले एक जनपद हुआ करते थे कई सारे जनपद, ये जनपद है, और एक महाजनपद हुआ करता था, इनको मिला के एक महाजनपद, जैसे अभी भी होता है ना, कई सारे जनपद को बना के एक जिला पंचायत बनाई जाती है, एक जनपद बनाया जाता है, एक जनपद के अंतर्गत कई सारी ग्राम पंचायतें शामिल होती है ना। तो उसी टाइप का पहले एक जनपद चलता था। तो जनपद थोड़ा सा छोटा होता था और महाजनपद विशाल होता था, बड़ा होता था। तो यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, प्राचीन जनपद लिखे हुए हैं और नवीन जनपद लिखे हुए हैं यहाँ पे, या प्राचीन नाम लिखे हुए हैं और नवीन नाम लिखे हुए हैं। तो ये वर्तमान के नाम, नवीन नाम, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि किसका नाम क्या था, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखो इसको डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से देखना है वीडियो को, ध्यान से देखना है वीडियो, होएगा थोड़ा सा लंबा, लेकिन बात यह है कि बहुत सारी काम की इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ, एक भी इन्फॉर्मेशन छोड़ने नहीं वाला हूँ, जो परीक्षा के हिसाब से सब देने वाला हूँ। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा, प्राचीन जनपद अवंती का नवीन नाम क्या है, तो उज्जैन, वर्तमान में उज्जैन नाम है ना, महाकाल की नगरी उज्जैन। वत्स, ये वत्स पुराना नाम था, प्राचीन जनपद, इसका वर्तमान नया नाम है ग्वालियर जो था। चेदी खजुराहो वाले क्षेत्र को कहते थे, चेदी था खजुराहो का। अनूप निमाड़ का था जो खंडवा वाला एरिया है, तो निमाड़ तो ये आएगा पेपर में, याद रखना है। दर्शन विदिशा का, ये पूछा जाते रहता है, दर्शन विदिशा का ट्रिक नहीं बता रहा हूं यहां पे। टुंडीकर दमोह क्षेत्र का नाम था प्राचीन जनपद। नलपुर नरवर का नाम था, जो शिवपुरी को महन है नरवर का किला, तो ये नरवर नाम था उसका, नलपुर, याद आया आपको। तो इतने नाम है, इनको याद रख लेना है बिल्कुल। इनके अलावा भी एक नाम मिल जाता है जिसका नाम है काकना द बाड़, ये सांची का नाम था, प्राचीन जनपद था सांची। एक और नाम मिल जाता है आकार भी बोल सकते हैं इसको, अकारा। ये मालवा का पूर्वी भाग जिसकी राजधानी विदिशा थी, तो ये कुछ प्राचीन जनपद थे जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर में आएंगे। तो याद रखना, बिल्कुल ना भूलें, इनको छोड़ना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, जैसे दर्शन का विदिशा, नलपुर, ये आते रहते हैं पेपर में। अब आगे चलते हैं अपन, महाजनपद काल की बात कर लेते हैं। ये जनपद थे, मैंने बताया महाजनपद बड़ा होता था, तो महाजनपद काल की बात करेंगे अब। तो ध्यान से देखना है वीडियो को, काम की जानकारी देने वाला हूँ परीक्षा के हिसाब से। तो महाजनपद काल के बारे में सुनिए। तो देखिए,
भारत में 16 महाजनपद थे, तो भारत में 16 महाजनपद काल की जानकारी बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अंगुत्तर निकाय या भगवती सूत्र से मिलती है। क्या बताया मैंने, भारत में महाजनपद काल की जानकारी बौद्ध धर्म के अग्नुत्तर निकाय व भगवती सूत्र से मिलती है। तो ये क्वेश्चन आते रहता है, इसको तो याद रखना है। भारत में 16 महाजनपद थे, है ना। 600 ईसा पूर्व की बात है, देखिए यहाँ पे ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट की बात हो रही है। ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पहले, है ना। ईसा पूर्व में यानी 600 ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से, 16 महाजनपद थे भारत में, कभी पूछा जा सकता है कितने थे, 16 महाजनपदों में से इस राज्य यानी मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद थे। मध्य प्रदेश में कितने थे, 2। ये क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद थे, 2। सॉरी महाजनपद नहीं, जनपद, ये जनपद है ना, ये महाजनपद था, 2 जनपद थे। क्वेश्चन आएगा कितने जनपद थे, 2 जनपद। एक का नाम था चेदी और दूसरे का नाम था अवंती जनपद, तो ये इंपॉर्टेंट है। नहीं, ये महाजनपद ही थे फ्रेंड, याद रखना है, महाजनपद ही थे। भारत में 16 महाजनपद थे, 16 में से 2 महाजनपद अपने मध्य प्रदेश में थे, है ना। ये महाजनपद ही थे, जनपद थे। अवंती महाजनपद जो था, अवंती महाजनपद अत्यंत विशाल था, बहुत बड़ा था। तो देखिए आगे, अवंती महाजनपद अत्यंत विशाल था, यह पश्चिमी और मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा हुआ था, यह पश्चिमी और मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा हुआ था, जिसके 2 भाग थे। तो इसके भी 2 भाग थे, उत्तरी अवंती था एक, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, तथा दक्षिणी अवंती था, जिसकी राजधानी माहिष्मती थी। तो समझ में आ गया, इसके भी 2 भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी क्या थी, उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी माहिष्मती थी। इन दोनों क्षेत्रों के बीच वेत्रवती नदी, वर्तमान बेतवा नदी बहती थी, यह आएगा पेपर में, याद रखना है। इन दोनों के बीच वेत्रवती नदी, तो आपको समझ में आया फ्रेंड्स, इन दोनों क्षेत्रों के बीच वेत्रवती नदी, वर्तमान बेतवा नदी बहती थी। आप कंफ्यूज होंगे जब आप मैप देखेंगे, तो बीच में नर्मदा नदी भी बही है, तो लेकिन यह आंसर बिल्कुल सही है। तो यह लगाना है वेत्रवती, बेतवा नदी का प्राचीन नाम वेत्रवती था। उसके बाद आगे की कहानी यहां से थोड़ी समझने वाली बात है। विष्णु पुराण से यह पता चलता है कि पुलिक बहाद्र वंश का अंतिम राजा रिपुंज जय का अमत्य था। क्या पता चला, विष्णु पुराण से यह पता चलता है कि पुलिक बहाद्र वंश का अंतिम राजा रिपुंज जय का अमत्य था, जिसने अपने स्वामी को हटाकर अपने पुत्र प्रघोत को वहां का राजा बनाया था। और प्रघोत के बाद उसका पुत्र पालक अवंती का राजा हुआ। तो आपको समझ में आया, प्रघोत के बाद उसका पुत्र, तो प्रघोत वंश आ गया था वहां पे, प्रघोत वंश आ गया था, तो प्रघोत के बाद उसका पुत्र पालक अवंती का राजा हुआ। परिशिष्ट पर्वत से यह पता चलता है कि पालक ने वत्स राज पर आक्रमण कर उसकी राजधानी कौसंबी पर अधिकार कर लिया था, और उसके बाद विशाखयूप, अजक और नंदीवर्मन ने बारी बारी से राज किया। तो ये उनके बाद के शासक है प्रघोत वंश के। तो अभी क्या समझ में आया आपको, यहां पे एक प्रघोत वंश आया, विष्णु पुराण से पता चला, उसके बाद पता चला प्रघोत वंश आया। तो यहां से अभी इतना याद रखें, आगे कहानी समझ में आएगी, आगे पढ़ेंगे जब, तो ये समझ में आ गया आपको, तो ये याद रखना है। तो इतना यहां तक अभी याद रखें, ये देखो इसके शासक शासक किए हैं यहां पे, बारी बारी से राज किया। उसके बाद आगे चलते हैं, कालांतर में मगध के हर्यक कुल के अंतिम शासक, देखो हर्यक वंश था मगध में, आप जानते होंगे मगध में हर्यक वंश था, मगध महाजनपद था एक, जो 16 महाजनपदों में से एक था, आधुनिक पटना, इसकी राजधानी गिरिव्रज या पाटलिपुत्र थी।
तो मगध, तो क्या लिखा है यहां पे, मगध में हरिया कुल के अंतिम शासक नाग दशक, जिसे दर्शक के काल में उनके आमत्य शिशुनाग द्वारा अवंती राज्य पर आक्रमण कर वहां के प्रगोध वंश के अंतिम शासक नंदीवर्मन, देखो ये आया था अंतिम शासक प्रगोत वंश था, उसका अंतिम शासक कौन था, ये था नंदीवर्मन। तो प्रगोत वंश के अंतिम शासक नंदीवर्मन को पराजित किया और अवंती राज्य के पूरे क्षेत्र को मगध में मिला लिया था। मैंने आपको बता दिया मगध की राजधानी गिरिव्रज पाटलिपुत्र थी, जो आधुनिक पटना है, बिहार का पटना। तो ये समझ में आया कैसे मिलाया यहाँ पे। कालांतर में मगध के हरियक कुल के अंतिम शासक, हरियक कुल का अंतिम शासक कौन था, नाग दशक, हरियक वंश का अंतिम शासक कौन था, नाग दशक ने के काल में उनके आमत्य शिशुनाग द्वारा अवंती राज्य पर आक्रमण कर वहां के प्रगोध वंश के अंतिम शासक नंदीवर्मन को पराजित किया गया था और अवंती राज्य को पूरा मगध में मिला लिया गया था। तो ये आपको समझ में आया होगा, अवंती राज को पूरे मगध में मिला लिया, तो यहां पे आके मिल गया। इस प्रकार मगध में शिशुनाग वंश का अभ्युदय हुआ। तो देखो जो मगध में सबसे पहले आया था हरियक वंश के बाद वहां पे गद्दी पे बैठा था शिशुनाग वंश, तो ये शिशुनाग वंश की बात हुई यहां पे, समझ में आ गया आपको। सबसे पहले वहां पे बैठा था हरियक वंश, तो हरियक वंश, फिर शिशुनाग वंश, मगध की बात हो रही है। और नंद वंश का पहला शासक महापद्मनंद शिशुनाग वंश के बाद बना, ये याद रखना। नंद वंश का पहला शासक कौन था, महापद्मनंद नंद वंश का पहला शासक। तो देखो शिशुनाग वंश के बाद आता है नंद वंश। तो देखो सबसे पहले हरियक वंश मगध में, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, तो नंद वंश आया, तो शिशुनाग वंश का अभ्युदय हुआ, फिर नंद वंश आया, तो नंद वंश का पहला शासक महापद्मनंद शिशुनाग वंश के बाद बना, समझ में आया, शिशुनाग वंश के बाद बना। इसने ही राज्य में नंद वंश की स्थापना की थी, किसने, महापद्मनंद ने राज्य में नंद वंश की स्थापना की थी, महापद्मनंद ने राज्य में नंद वंश की स्थापना की थी, ये समझ में आया। अब आगे चलते हैं, देखिए पुरातत्वविदों द्वारा बड़वानी से की गई खुदाई से मिली नंदों की मुद्राएं, जो नंद वंश था उनकी मुद्राएं इस बात को स्पष्ट रूप से उजागर करती है कि इनका शासन यहां पे अवश्य था, ये बात को उजागर करती है नंदों की मुद्राएं जो मिली है वहां पे। तो समझ में आया कि फ्रेंड्स, उसके बाद क्या होता है, देखिए अपन ने यहां कहां तक पढ़े, अभी नंद वंश का पहला शासक पढ़े महापद्मनंद, है ना, ये समझ में आया। उसके बाद बना शिशु, उसके बाद देखो नंद वंश का ही अंतिम शासक था, एक नंद वंश चल रहा था, तो नंद वंश कैसे चला, देखो यहां पे आपको फिर से बता देता हूं मैं शॉर्टकट में। सबसे पहले कौन सा वंश आया, हरियक, तो हरियक वंश था मगध का, हरियक के बाद कौन सा है यहां पे, शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, तो पहला वंश पहला हरियक, फिर शिशुनाग, फिर नंद वंश। अब नंद वंश का पहला शासक कौन था, महापद्मनंद, लेकिन बात हो रही है नंद वंश के अंतिम शासक की, तो नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, समझ में आया आपको। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश की हत्या कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, तो धनानंद आ गया आपको समझ, तो नंद वंश का अंतिम शासक आया धनानंद। अब धनानंद की हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश की स्थापना की थी, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य काल या मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो ऐसा करके मौर्य काल आता है, और जब मौर्य काल मगध में राज करता है तो मध्य प्रदेश का क्षेत्र उनसे मिला हुआ रहता है। तो अशोक आया, चंद्रगुप्त मौर्य आया, तो उसके बारे में यहां से अपन पढ़ेंगे। यहां से शुरू होता है अब मौर्य काल,
तो ये आपको मैंने जो शुरू शुरू की सामने की जितनी भी चीज़ें बताया आपको याद रखना है, वीडियो को थोड़ा सा ध्यान देख के वीडियो को समझना है, और समझ जाएंगे जब आप तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे। अब बात आती है यहाँ पे मौर्य काल की, मौर्य वंश, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वंश है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी मगध के आपको क्रम समझ में आया, मगध का क्रम था हर्यक, हर्यक के बाद आता है शिशुनाग, फिर आया नंद वंश, फिर मौर्य वंश आएगा, इसके बाद सुंग वंश आएगा। तो ये आगे चलेंगे जब मैं बताऊंगा आपको। तो मौर्य वंश डिस्कस करते हैं, अब ध्यान से देखिए वीडियो को, समझ में आएगा ही आएगा। देखिए अब मौर्य काल के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो मौर्य काल है ये 323 से 187 ईसा पूर्व का है। कब तक था मौर्य काल? 323 से 187 ईसा पूर्व तक के का है। अब इसको ध्यान से समझिए फ्रेंड्स। देखिए मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। उसका पुत्र हुआ जिसका नाम था बिंदुसार, उसका पुत्र बिंदुसार के समय, उसका पुत्र हुआ बिंदुसार, तो उसका पुत्र बिंदुसार के समय जब बिंदुसार राजा था के समय अवंती प्रदेश का कुम्हारामात्य अशोक था। अवंती प्रदेश का कुम्हारामात्य अशोक था, यानी कुम्हारामात्य का मतलब होता है राज्यपाल, राज्यपाल। अवंती प्रदेश का कुम्हारामात्य अशोक था जो अपने पिता की मृत्यु के पश्चात मगध का शासक बना। जो अपने पिता की मृत्यु के पश्चात का मतलब है बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात मगध का शासक बना। समझिए इसको, यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा उज्जैन का राज्यपाल कौन था? तो अशोक, याद रखना है। बिंदुसार के समय उज्जैन का राज्यपाल अशोक था, उज्जैन का। और यह भी पूछा जा सकता है सम्राट बनने से पहले उज्जैन का राज्यपाल अशोक था, याद रखना है। सम्राट बनने से पहले उज्जैन का राज्यपाल कौन था? तो अशोक था। सम्राट बनने से पहले का मतलब मगध का शासक बनने से पहले। अशोक ने देवा नाम पी की उपाधि धारण की थी, यह पूछा जाता है। देवा नाम पी की उपाधि धारण किसने की थी? अशोक ने, सम्राट अशोक। सिंहली परंपराओं से यह पता चलता है, सिंहली परंपराओं से यहां पता चलता है कि उज्जैन जाते समय, उज्जैन जाते हुए अशोक विदिशा में रुका था। जो विदिशा पड़ता था इसको रास्ते में, मगध से निकला उज्जैन जाने के लिए तो रास्ते में मिला इसको विदिशा, तो विदिशा में रुका था, जहां उसने एक श्रेष्ठ की पुत्री, श्रेष्ठ लिखा हुआ है, कई जगह सेठ भी लिखा रहता है, विदिशा के एक सेठ की पुत्री, उसने एक सेठ की पुत्री देवी के साथ विवाह किया, विवाह कर लिया था। तो वहां पे रुका, और वहां पे एक सेठ की पुत्री थी जिसका नाम था देवी, देवी के साथ विवाह कर लिया था। और महाबोधि वंश में उसका नाम किसका? देवी का। महाबोधि वंश में उसका नाम वेदिस, वेदिस महादेवी मिलता है। तो यह भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। महाबोधि वंश में उसका नाम वेदिस, वेदिस महादेवी मिलता है, तथा उसने, तथा उसे साक्य जाति का बताया गया है। किसको? देवी को। जो देवी थी वो साक्य, साक्य जाति का बताया गया है। और उसी से अशोक के पुत्र, यानी देवी से, उसी से का मतलब देवी से, अशोक के पुत्र अशोक के पुत्र महेंद्र और उसकी पुत्री संगमित्रा का जन्म हुआ था। तो किससे हुआ था? देवी से हुआ था। तो अशोक का एक लड़का और एक लड़की थी जिसका नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संगमित्रा। तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन दोनों को श्रीलंका भेजा था। यह भी क्वेश्चन आता है, महेंद्र और संगमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने इन्हें श्रीलंका भेजा था। तो याद रखना है,
तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा ऐसे पैराग्राफ, तो बहुत ही आसान है, दिमाग लगाएं थोड़ा सा और याद रखने की कोशिश करें। अब आगे चलते हैं अपन और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए मौर्ययुगीन सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित लघु शिलालेखों में निम्न का संबंध वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य से था। तो सबसे पहले तो आपको जानकारी के लिए यहाँ से ये पता होना कि शिलालेख क्या होते हैं। शिलालेख या अभिलेख किसे कहते हैं? तो अभिलेख या शिलालेख जैसे पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को कहते हैं। प्राचीन काल में इसका उपयोग हो रहा था, शासन इसके द्वारा जो शासक हुआ करते थे, शासक इसके द्वारा अपने आदेशों को उत्कीर्ण करवाते थे, अपने आदेशों को उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके और पढ़ सके और उसका पालन कर सके। और कहीं कई जगह तो आधुनिक युग में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। जैसे आप देखे होंगे कहीं रोड बनती कुछ बनती तो किसने बनाया करके वहाँ पत्थर में लिख दिया जाता है रोड शुरुआत में। तो वैसे ही शिलालेख होते थे, अभिलेख होते थे। तो ये कुछ लघु शिलालेख मिले हैं, लघु शिलालेख मिले हैं। तो याद रखना है क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। जैसे सबसे पहले पूछा जाएगा रूपनाथ अभिलेख, रूपनाथ अभिलेख या रूपनाथ शिलालेख, ये जबलपुर जिले की सिहोरा तहसील के एक गांव में स्थित है। तो ये आ सकता है रूपनाथ अभिलेख कहाँ पर है? जबलपुर में। कई यह कटनी लिखा रहता है कटनी में है करके, तो कटनी के किनारे ही जबलपुर है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो रूपनाथ अभिलेख है जबलपुर में। गुर्जरा अभिलेख, गुर्जरा शिलालेख या अभिलेख उसे ही कहा गया है। तो गुर्जरा शिलालेख ये दतिया में है। इससे एक क्वेश्चन आता है, इस शिलालेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, अशोक का नाम अशोक मिलता है, अशोक ने अपने नाम को अशोक लिखा है इसमें। तो गुर्जरा अभिलेख जो दतिया में है, इस शिलालेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरा है, तीसरा है अगला सारो मारो शिलालेख या अभिलेख, ये शहडोल जिले में है। तो जिले का नाम देके पूछा जा सकता है किस जिले में। पान गुडारिया का अभिलेख या शिलालेख ये सीहोर जिले में है। पान गुडारिया का शिलालेख ये सीहोर जिले में। और सांची में भी एक अभिलेख मिला है जो रायसेन में है, सांची आता है रायसेन में, रायसेन जिले में। तो देखो पांच है और पांचों को याद रखना जरूरी है। रूपनाथ अभिलेख जबलपुर, गुर्जरा अभिलेख दतिया, सारो मारो अभिलेख शहडोल, पन गुडारिया सीहोर और सांची जो है रायसेन में। तो ये पूरे आपको याद रखना है सही जोड़ी में या कैसे भी करके क्वेश्चन जिले का नाम देके या अगर उनकी कोई विशेषता है तो बन जाती है। तो ये विशेषता इसकी है गुर्जरा अभिलेख की, अशोक का नाम अशोक मिलता है। एक नोट लिख रखा है, देखते हैं इसको। लघु शिलालेखों व लघु स्तंभ लेख इस बात के प्रमाण है कि इस राज्य मध्य प्रदेश में मौर्ययुगीन शासन की व्यवस्था यानी मौर्य शासन व्यवस्था अवश्य कायम थे, यानी मौर्ययुगीन शासन व्यवस्था कायम थी इस बात के सबूत हैं ये जो शिलालेख मिले हैं। तो ये आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। अब उसके बाद आगे चलते हैं, मौर्य काल समझ में आ गया आपको कैसा था। अब आगे चलते हैं सुंग वंश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट वंश है ये भी, ये 148 से 72 ईसा पूर्व तक रहा है ये। अब इसमें बात करते हैं, देखिए इसको भी समझने वाली बात है। सुंग वंश का संस्थापक पुष्प भी लिखा हुआ है कई जगह, पुष्पमित्र सुंग था, याद रखना है। सुंग वंश का संस्थापक पुष्पमित्र सुंग था 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्र की हत्या कर। तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, क्वेश्चन आता है। बृहद्र था याद रखना है, मौर्य वंश का अंतिम शासक ये था, जिसकी हत्या कर पुष्पमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की थी। हत्या कर सुंग वंश की स्थापना की थी, ये समझ में आया। और जो पुष्पमित्र सुंग था ये बृहद्र का सेनापति था, इसका सेनापति था, अपने सेनापति को मार के सुंग वंश की स्थापना इसने हत्या करके की थी, समझ में आ गया। सुंग वंश का संस्थापक पुष्पमित्र सुंग था, ये समझ आया, इतना समझ में आ गया। तो ऐसे करके यहाँ पे सुंग वंश की स्थापना हो गई। अब मालविका अग्निमित्रम एक रचना है जो कालिदास ने लिखी है। मालविका अग्निमित्रम जो महाकवि कालिदास द्वारा रचित एक नाट्य ग्रंथ है से पता चलता है कि पुष्पमित्र सुंग का पुत्र, इसका एक पुत्र भी था जिसका नाम था अग्निमित्र विदिशा का राज्यपाल था।
तो मालवी का अग्निमित्रम से पता चलता है, तो इसका पुत्र का नाम क्या था? अग्निमित्रम। इसीलिए तो इसने मालवी का अग्निमित्रम लिखा है। मालविका मालवा की रानी थी और अग्निमित्रम विदिशा का राजा था। तो पुष्पमित्र सुंग का पुत्र अग्निमित्र विदिशा का राज्यपाल था, इंपॉर्टेंट है। तथा उसने विदर्भ राज्य के राज्यपाल का कार्यभार अपने मित्र माधवसेन को सौंपा था। तो अपने मित्र माधवसेन को सौंपा था विदर्भ का राज्यपाल। तो ये समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट है, अब आगे चलते हैं। देखिए सांची जो है ये रायसेन में है, और भरहूत जो है ये सतना से प्राप्त स्तूप है, एक प्रकार के वहां पे सतना से प्राप्त कला आकृतियों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि पुष्प मित्र सुंग को बौद्ध धर्म का सहारक कहना उचित नहीं होना होगा, क्योंकि इस काल में इन स्थानों पर स्तूप न केवल सुरक्षित ही रहे बल्कि उन्हें राजकीय व व्यक्तिगत सहायता भी मिली है। इस वंश का नववा शासक, इंपॉर्टेंट है, इस वंश का नववा शासक किसका? सुंग वंश का नववा शासक। इस वंश का नववा शासक बागभद्र था। इस वंश का नववा शासक, सुंग वंश का नववा शासक बागभद्र था। इसके शासनकाल में 14वें वर्ष इसके शासनकाल के 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन नरेश, यवन यूनानी राजाओं को कहते थे जो यूनान के थे, 14वें वर्ष तक्षशिला के यवन नरेश एंटियाल किट्स का राजदूत हेलियोडोरस इसके विदिशा में स्थित दरबार में उपस्थित हुआ। तो क्या कहने का मतलब है यहाँ पे कि एंटियाल किट्स का राजदूत हेलियोडोरस बागभद्र के दरबार में आया था। यह है विदिशा में बागभद्र के दरबार में आया था। कौन? हेलियोडोरस उपस्थित हुआ था, आया था। उसने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया था और भागवत धर्म का प्रचार भी कर रहा था। विदिशा के पास स्थित बेसनगर यानी इसको बेसनगर को भीलसा भी कहते थे, भीलसा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। इसका मतलब हेलियोडोरस ने गरुड़ ध्वज स्तंभ का निर्माण करवाया था, याद रखना है। समझ में आया क्या क्या क्वेश्चन आएगा? इसके शासनकाल के 14वें वर्ष तो बागभद्र के शासनकाल के 14वें वर्ष तक्षशिला के राजा का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा के इसके दरबार में उपस्थित हुआ और भागवत धर्म का प्रचार भी कर रहा था वो, और विदिशा के पास बेसनगर भीलसा में गरुड़ ध्वज स्तंभ का निर्माण भी हेलियोडोरस ने करवाया था, और गरुड़ ध्वज स्तंभ से भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। तो ये समझ में आया फ्रेंड्स? अब आगे चलते हैं, यहां से क्वेश्चन बनेंगे ऑब्जेक्टिव, तो आपको याद रखना है, कैसे भी निकल सकते हैं क्वेश्चन। मध्य प्रदेश सुंग कालीन कला आकृतियां हैं, दी मिली हैं कुछ, उसको देखते हैं क्या है ये। तो देखिए सतना जिले में एक विशाल स्तूप का निर्माण किया गया था। सतना जिले में भरूत स्तूप का निर्माण पुष्प मित्र सुंग ने करवाया था, याद रखना है। भरूत स्तूप का निर्माण पुष्प मित्र सुंग ने करवाया था, और इसकी जो खोज है, इस स्तूप की खोज, इस स्तूप की खोज भी की गई थी, तो याद रखना ये, इस स्तूप की खोज कनिंगहम ने की थी। तो किसके? भरूत स्तूप की खोज कनिंगहम ने की थी। इसके अवशेष आज भी पूरे मूल स्थान पर नहीं है, परंतु उसकी वेष्टियां एक भाग और तोरण भारतीय संग्रहालय कोलकाता में रखा गया है, और प्रयाग संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं जो इलाहाबाद में। 1875 में कनिंगम द्वारा देखिए भरूत स्तूप की खोज किसने की करके क्वेश्चन आता है। कनिंगम द्वारा जिस समय इसकी खोज की गई उस समय तक केवल 10 फुट लंबा और 6 फुट चौड़ा भाग ही शेष रह गया था। तो याद रखना है, डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस किसने खोज की और निर्माण किसने करवाया था ये याद रखना है। निर्माण पुष्प मित्र सुंग और खोज कनिंगम, है ना। आगे चलते हैं, अब सांची की बात कर लेते हैं। सांची जो है ये रायसेन जिले में आता है, बौद्ध जगत की पवित्र नगरी है सांची। वहां पे एक स्तूप है जिसका नाम है सांची का स्तूप। सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, याद रखना है। अभी यहां पढ़ते हैं अपन, देखो सांची का पुराना नाम क्या था, प्राचीन जनपद या प्राचीन नाम
काकनाद बोट, काकनाद बोट तो याद रखना ही है, पूछा जा सकता है। देखो सांची की खोज 1818 में, सांची की खोज 1818 में सर्वप्रथम जनरल टेलर ने की थी, सर्वप्रथम जनरल टेलर ने की थी, यहां के स्मारकों की खोज की थी। तो टेलर नाम आएगा तो लगाना है आपको सही। 1818 ईस्वी में मेजर कोल ने स्तूप संख्या 1 को भरने के साथ उसे तोरण द्वारों पर तथा स्तूप 3 घिरे हुए तोरणों को पुनः खड़ा करवाया था। तो एक और ये नाम के प्रोफेसर थे मेजर कोल, इनने जो बाकी टूटे हुए द्वार थे उसके पीछे साइड के दक्षिण पूर्वी वाले तोरण द्वार, जो आजू बाजू की बाउंड्री रहती तोरण द्वार, उनको भी उसकी मरम्मत करवाई थी, पुनः खड़ा करवाया था। यहां पर इस काल के 3 स्तूपों का निर्माण किया गया था, हुआ था 3 स्तूपों का निर्माण किया गया था यहां पर, जिसमें एक विशाल स्तूप है जिसको आप देखते हैं, जिसमें एक विशाल स्तूप है जिसको आप देखते हैं, और सांची के स्तूप की जो फोटो है वो 200 के नोट के पीछे की ओर, 200 के नोट के पीछे की ओर छपी हुई है, 200 के नोट में सांची स्तूप की फोटो। विशाल है और 2 छोटे हैं, 2 लघु हैं, लघु स्तूप है। महास्तूप जो है सबसे बड़ा, उसमें भगवान बुद्ध के, महास्तूप जो है वो भगवान बुद्ध के, और द्वितीय स्तूप में अशोककालीन धर्म प्रचारकों के, और तृतीय स्तूप जो है उसमें बुद्ध के 2 शिष्यों सारिपुत्र तथा महामोगल्यान के अस्थि अवशेष या दंत अवशेष सुरक्षित रखे। तो सांची के स्तूप की खोज जनरल टेलर ने की थी, याद रखना है, और सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। तो ये आपको समझ में आ गया, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सांची के स्तूप में बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों के नाम याद रखना है, पूछे जा सकते हैं, सारिपुत्र तथा महामोगल्यान के दंत अवशेष या अस्थि अवशेष सुरक्षित रह गए हैं। ये दोनों शिष्यों के नाम याद रखना है, इनके अवशेष, अस्थि अवशेष या दंत अवशेष सुरक्षित रखे गए हैं। इस महास्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने अशोक के समय ईंटों की सहायता से किया गया था, ये याद रखना है। कैसे बना है वो? ईंटों से। इसके चारों ओर काष्ठ की वेदिका बनी थी। इसके चारों ओर काष्ठ की वेदिका बनी थी। अशोक का संघभेद रोकने की आज्ञा वाला अभिलेख यहीं से मिला है। अशोक की, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन फ्रेंड्स, अशोक का संघभेद रोकने की आज्ञा वाला अभिलेख कहां से मिला है, क्वेश्चन आएगा, याद रखना है, सांची से मिला है। अशोक का संघभेद रोकने की आज्ञा वाला अभिलेख कहां से मिला है? सांची से मिला है। तो ये था यहां से क्वेश्चन। और सांची का स्तूप जो है यह प्रेम, शांति, विश्वास और साहस का प्रतीक है, साहस के प्रतीक है एक प्रकार का, तो याद रखना है। तो आपको समझ में आया यहाँ से अशोक के बारे में, कभी निर्माण पूछा, गरुड़ ध्वज स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, है ना, तो ये आप समझ में आ गया। मौर्य काल के टाइम पे था अशोक, तो अशोक ने करवाया था सांची स्तूप का, और उसके तोरण द्वार जो उसके आजू बाजू की बाउंड्री, उसका निर्माण पुष्यमित्र सुंग ने करवाया था, सुंग वंश का शासक था वो। तो ये समझ में आ गया। अब बात करेंगे हम आगे कुषाण काल की। कुषाण काल चालू होता है यहाँ से, अब कुषाण काल को देखते हैं। तो अब देखिए आगे कुषाण काल मध्य प्रदेश में और कुछ प्रमुख राजवंश हैं, उनको भी डिस्कस करना जरूरी है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तो कुषाण काल का उदय होता है मध्य प्रदेश में। तो फ्रेंड्स कुषाण काल से क्या क्या याद रखना है? इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्ठ था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्ठ था, जिसने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था, और भारत यही शक संवत को, ये जो कैलेंडर है शक संवत को भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है वर्तमान में, तो याद रखना है। अब इसको पढ़ते हैं, इसमें देखो सांची व भेड़ाघाट से कनिष्क संवत 78 ईस्वी का एक लेख मिला है। तो एक लेख मिला है जो सांची और भेड़ाघाट, जो अपने मध्य प्रदेश में सांची और भेड़ाघाट से कनिष्क संवत 78 का एक लेख मिला है। यह वासिक का है तथा बौद्ध प्रतिमा पर खुदा हुआ है। यह वासिक
का है या बौद्ध प्रतिमा पर खुदा हुआ है। कनिष्क के राज दरबार में निम्न विद्वान थे, तो कनिष्क ऐसा राजा था इसके राज दरबार में निम्न विद्वान रहते थे, तो आपने वो याद रखना है इनमें से कौन से विद्वान रहते थे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अश्वघोष की, ये राज्य कवि था इनके दरबार में अश्वघोष। अश्वघोष की एक रचना इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है बुद्ध चरित्रम। बुद्ध चरित्रम, बुद्ध चरित्रम प्रसिद्ध रचना इनकी अश्वघोष की, डायरेक्ट पूछी जाती है। अगला है इनकी तीन रचना इंपॉर्टेंट है, इनकी तीन रचना इंपॉर्टेंट है जिसमें से एक बुद्ध चरित्रम, सौंदर्य नंद काव्यम, इसका पूरा नाम है सौंदर्य नंद काव्यम, ये भी अश्वघोष ने लिखी है। उसके बाद सारिपुत्र प्रकरणम मां लगेगा यहां पे, तो सारिपुत्र प्रकरणम, ये तीन रचना हो गई, याद रखना है। नहीं, ये दोनों एक ही रचना है फ्रेंड्स, देखो एक बुद्ध चरित्रम हो गई, एक सौंदर्य नंद और वह सारिपुत्र प्रकरण, तो ये दोनों एक ही वा लिखा हुआ है देखो यहाँ पे। ये एक और तीसरी रचना इनकी इंपॉर्टेंट है, तीसरी रचना का नाम है गंडी स्रोत गाथा, इनकी एक रचना है। तीन रचना याद रखना है, अश्वघोष कनिष्क के दरबार में थे। उसके बाद बात करते हैं हम दूसरे नंबर के विद्वान थे इनके दरबार में जिनका नाम था आचार्य नागार्जुन। ये शून्यवाद के प्रतिष्ठापक थे, ये शून्यवाद का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, शून्य की खोज इन्होंने ही की थी, शून्यवाद का प्रतिष्ठापक थे, याद रखना है। नागार्जुन किसके दरबार में थे, पार्श्व नाम के भी एक विद्वान इनके दरबार में थे। इनके बाद है वासुमित्र भी विद्वान थे इनके दरबार में, और मृत चेट नाम के एक विद्वान भी इनके दरबार में थे। संघ रक्ष नाम के एक विद्वान थे, और चरक इंपॉर्टेंट है, ये आयुर्वेद के विख्यात विद्वान रहे हैं। चरक के दरबार में थे, और इनकी किताब का नाम है चरक संहिता नामक एक ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने। तो ये सात विद्वान थे इनके दरबार में, तो इनका नाम याद रखना है, किसके दरबार में कौन थे पूछे जा सकते हैं। कुषाणों का स्थान भारसीव नागवंश से लिया गया है, जिसकी राजधानी पद्मावती थी। तो कुषाण काल से मैंने आपको जानकारी के लिए काम की चीज बताया, उतना ही याद रख सकते हैं आप। कुषाण काल चला मध्य प्रदेश में, तो इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क था, याद रखना है ये। और इनके दरबार में सात विद्वान थे, इनके नाम याद रख लो। और इन्हीं कनिष्क के समय ही 78 ईस्वी में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता, ये आप समिति पढ़ेंगे जब समझ में आ जाएगा। तो कनिष्क से आपको समझ में आया कनिष्क, तो ये आप यहां से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कनिष्क को ही देवपुत्र और द्वितीय अशोक कहा जाता है, तो ये भी याद रखना है, कल पूछा जा सकता है, द्वितीय अशोक इसे ही कहा गया है। तो कुषाण काल से इतना ही, अब आगे चलते हैं मध्य प्रदेश में। और कौन, अब बात कर लेते हैं मालवा गणराज्य की। मालवा गणराज्य में क्या स्थिति थी राजाओं की, उसको देखते हैं। देखो मालवा गणराज्य सिकंदर ने आक्रमण कब किया था 326 ईसा पूर्व के समय। मालवा गणराज्य के लोग पंजाब में निवास कर रहे थे। कालांतर में यहां पूर्वी राजपूताना आकर बस गए। फिर क्या हुआ, और पाणिनि ने इसका उल्लेख आयुद्धजीवी संघ के रूप में किया है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पाणिनि नाम के जो व्यक्ति थे, इन्होंने एक अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा है, आठ अध्याय है उसमें, तो उस ग्रंथ का नाम ही रख दिया इन्होंने अष्टाध्यायी। तो याद रखना है अष्टाध्यायी किसने लिखा, अगर क्वेश्चन आता है तो पाणिनि ने, तो इतना याद रखें यहां से। उसके बाद आगे चलते हैं इसमें, राज्य से प्राप्त सिक्कों के आधार पर इसका काल ईसा की दूसरी से तीसरी शताब्दी के मध्य निर्धारित किया गया है। सिक्कों से प्राप्त लेख के आधार पर यह स्पष्ट किया जाता है कि गणतंत्र शासन पद्धति कायम थी। यहां पर गणतंत्र, उस टाइम पे सोचिए, गणतंत्र शासन पद्धति,
कायम थी। तो ये याद रखना है। अब बात करेंगे आखिरी टॉपिक गुप्त काल की। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन एक ही वीडियो में पूरा प्रमुख राजवंश का पार्ट वन डिस्कस करना है, इसलिए हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं गुप्त काल की। देखिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं गुप्त काल। बहुत ही इंपॉर्टेंट काल है ये गुप्त काल। 280 से 550 ईस्वी तक था ये गुप्त काल। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं पूरा गुप्त काल को आपको यहाँ क्लियर कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो बात होगी वो मध्य प्रदेश से रिलेटेड होगी, बाकी आप इंडियन हिस्ट्री तो पढ़ेंगे ही, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। तो गुप्त काल की राजधानी पाटलिपुत्र थी। गुप्त काल की राजधानी पाटलिपुत्र थी और गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। गुप्त काल गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। गुप्त वंश के जो संस्थापक थे, जो गुप्त काल जिनसे शुरू हुआ था, वो श्री गुप्त थे और उनके बाद उसका पुत्र घटोत्कच इस वंश का राजा हुआ। तो सबसे पहले गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे और उनके बाद घटोत्कच इस वंश का राजा हुआ। तो आप समझ में आ गया। और घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम नाम था जिसका, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो समझ में आया, संस्थापक श्री गुप्त था, उसका पुत्र था घटोत्कच और उसका पुत्र था चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त संवत का प्रवर्तक इन्होंने ही किया था। किनने? चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 में। तो ये यहां तक समझ में आया आपको। अब देखो, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद राजा बनता है समुद्रगुप्त। किसके बाद? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद। तो प्रयाग प्रशस्ति से के अतिरिक्त, देखो प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त राजा बनता है। तो प्रयाग प्रशस्ति के अतिरिक्त मध्य प्रदेश में सागर में स्थित एरण नामक स्थान से भी समुद्रगुप्त का लेख मिला है। तो एरण जो है अपने मध्य प्रदेश के सागर जिले में, वहां से भी समुद्रगुप्त का लेख मिला है जो खंडित अवस्था में है। इसे समुद्रगुप्त को प्रथु राघव आदि राजाओं से भी बढ़कर दानी बताया है। जो एरण अभिलेख है उसमें समुद्रगुप्त के बारे में लिख रखा है कि बहुत ही दानी राजा था। और इस लेख से यह भी पता चलता है कि एरण उसका भोग नगर था। तो डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बनेगा कि एरण स्वभोग नगर कहलाया। समुद्रगुप्त के टाइम पे जो एरण था सागर जिले में, वह स्वभोग नगर कहलाता था। यह स्वभोग नगर था किसके टाइम पे था करके पूछा जाएगा, तो समुद्रगुप्त के टाइम पे था। तो समझ में आ गया, सबसे पहले श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, इसका पुत्र हुआ समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त राजा बनता है। तो समझ में आ गया, समुद्रगुप्त राजा बना फ्रेंड्स। तो समुद्रगुप्त से देखते हैं और क्या बनता है आगे। उसके बाद देखिए, यहां तक समझ में आ गया, भोग नगर या स्वभोग नगर कहलाया एरण समुद्रगुप्त के टाइम पे। कहां से जानकारी मिली? ये यहां से एरण नामक स्थान से। उसके बाद आगे चलते हैं, हरिसेन नामक एक विद्वान था, समुद्रगुप्त का मंत्री एवं दरबारी कवि था। ये जो हरिसेन था, ये समुद्रगुप्त का मंत्री और दरबारी कवि था, उसके दरबार में रहता था। तो हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन ने लिखा है प्रयाग प्रशस्ति में 13वीं व 14वीं पंक्तियों में यह स्पष्ट जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त अपनी दिग्विज प्रक्रिया के प्रारंभ में सर्वप्रथम उत्तर भारत के तीन शक्तिशाली राजाओं यथा यक्षयुत और नागसेन व कोतकुलज के साथ आर्यावर्त का प्रथम युद्ध किया था। ये डायरेक्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन, आर्यावर्त का प्रथम युद्ध किसने किया था? तो किसने किया था? ये समुद्रगुप्त ने किया था। आर्यावर्त का प्रथम युद्ध क्या था? ये जैसे समुद्रगुप्त उत्तर भारत का अभियान किया, तो वहां पे उसने यथा यक्षयुत नागसेन और कोतकुलज ये राजाओं को पराजित किया था। ये राजाओं के साथ जो भी युद्ध लड़ा था उसे ही आर्यावर्त का प्रथम युद्ध कहा जाता है। तो समझ में आ गया आपको, किसने किया था युद्ध? समुद्रगुप्त ने किया था, यथा यक्षयुत नागसेन व कोतकुलज के साथ युद्ध किया था, उसे ही ये नाम दिया गया है। तो समझ में आया आपको। इसके बाद आगे चलते हैं, इनमें से सभी को पराजित कर दिया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। इन पराजित राजाओं में नागसेन नागवंशी शासक
और पवाया ग्वालियर जिले में स्थित पद पव्या में शासन कर रहे थे। तो इन लोग कहाँ शासन कर रहे थे, उत्तर भारत में, नागसेन यहाँ पे और ग्वालियर में यहाँ पे, तो ये समझ में आ गया, तो इसे ही कहा गया समुद्रगुप्त ने। उसके बाद गुप्त सम्राट जो समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त का समकालीन शक शासक, इसी के टाइम पे एक शक शासक था, समकालीन था, जिसका नाम था रुद्र सिंह तृतीय था, जो पश्चिमी मालवा, गुजरात और काठियावाड़ का शासक था। एक शक शासक रहा है रुद्र सिंह तृतीय, तो याद रखना है, समझ में आया ये, वो पश्चिमी मालवा, गुजरात और काठियावाड़ में शासक कर रहा था। तो अभी समुद्रगुप्त की बात चल रही है। समुद्रगुप्त जो था, समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने इन्हें नेपोलियन की उपाधि दी थी। समुद्रगुप्त को नेपोलियन की उपाधि दी थी और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। तो ये याद रखना है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। तो ये लाइन भी समझ में आ गई आपको। अब बात चलते हैं आगे। दुर्जनपुर विदिशा जिले के लेख, दुर्जनपुर में भी एक लेख मिला है और यह जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के कुछ समय के लिए उसका पुत्र रामगुप्त शासक बना। तो देखो क्या यहां से क्या समझने वाली बात है, समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, एक का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, एक का नाम था चंद्रगुप्त, नाम था चंद्रगुप्त, सिर्फ चंद्रगुप्त बोलेंगे उसको, एक का नाम था चंद्रगुप्त और दूसरे का नाम था रामगुप्त। तो समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, चंद्रगुप्त और रामगुप्त। तो पहले चंद्रगुप्त राजा बनता है, उसके कुछ दिन बाद रामगुप्त भी राजा बनता है। तो क्या पता चला यहां से, दुर्जनपुर विदिशा के लेख से यह जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के कुछ समय के बाद उसका पुत्र रामगुप्त शासक बना। यह जानकारी मालवा के दो स्थान एरण और भीलसा से प्राप्त तम्र मुद्राओं से होती है। एरण और जो भीलसा विदिशा से प्राप्त तम्र मुद्राओं से होती है। तो इस मुद्राओं से यह पता चला कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बना। तो रामगुप्त तक समझ में आ गई कहानी आपको, यहां तक कहां से क्या जानकारी मिल रही है। उसके बाद देखिए, भीलसा के तम्र सिक्के प्रसिद्ध, भीलसा के तम्र सिक्के, ये सिक्के किसको क्या मिले थे उसके बारे में लिख रखा है ये। तो भीलसा के तम्र सिक्के प्रसिद्ध मुद्रा शास्त्री परमेश्वर लाल गुप्त को प्राप्त हुए थे। तो भीलसा से किसने प्राप्त किए फ्रेंड्स, परमेश्वर लाल गुप्ता ने प्राप्त किए थे। जबकि एरण से सागर विश्वविद्यालय के अध्ययनकर्ता यानी प्रोफेसर कृष्ण दत्त वाजपेयी को प्राप्त हुए थे, जिनमें एरण के सिक्कों पर सिंह और गरुड़ का चित्र था। जिसमें एरण के जो सिक्के मिले थे एरण के सिक्कों पर सिंह और गरुड़ का चित्र था। गरुड़ गुप्त वंश का राज्य की चिन्ह भी था। तो ये याद रखना है, जो गरुड़ पक्षी होता है, एक गरुड़ गुप्त वंश का राज्य की चिन्ह भी था। तो भीलसा से किसको मिले थे, परमेश्वर लाल गुप्त को। एरण से किसके मिले थे, रामकृष्ण दत्त वाजपेयी को। तो ये समझ में आया। अब आगे चलते हैं, उसके बाद की कहानी देखते हैं। तो आपको समझ में आया, रामगुप्त शासक बना था, अभी तक समझ गया, आ गया था आपको रामगुप्त। रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता था, वो शासक बनता है। अब उसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शासन करता है और यह बहुत ही अच्छा शासन करता रहा है। इसके काल को साहित्यिक का स्वर्णयुग कहा जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इसने उपाधि धारण की थी इसीलिए उसे विक्रमादित्य कहते थे, है ना, विक्रमादित्य। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये है, याद रखना है। अब बात करते हैं, देखो यहां से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले मैं बताता हूं, यहां से आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यहां से शुरू होता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। चंद्रगुप्त मौर्य से कंफ्यूज नहीं होना है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का शासक था और चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का शासक था, जिसकी उपाधि विक्रमादित्य की थी। यहां से क्वेश्चन आता है, सखों को पराजित करने वाला शासक कौन था, तो विक्रमादित्य था, याद रखना है। एक दूसरा क्वेश्चन है यहां से, इसी के दरबार में नवरत्न थे,
जो कालिदास, अभी आगे पढ़ेंगे अपन, इसी के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, ये याद रखना है। और फाहियान नामक चीनी यात्री इसी के दरबार में आया था, एक चीनी यात्री फाहियान नामक चीनी यात्री इसी के दरबार में आया था और मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया था और मालवा को एक खुशी और समृद्ध देश बताया था। तो इसी के शासनकाल में आया था भारत, फाहियान नामक चीनी यात्री मालवा घूमा था वो, तो याद रखना है। और यहाँ से अब पढ़ते हैं, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश की कन्या कुबेर नाग से विवाह कर नागवंशी शासकों से मैत्री की थी, यानी दोस्ती की थी, संबंध बनाए थे, मैत्री की थी, समझौता किया था। इसी कुबेर नाग से प्रभावती गुप्त नामक कन्या का जन्म हुआ था, इसी कुबेर नाग से प्रभावती नामक गुप्त कन्या का जन्म हुआ था। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय था वो सबसे विशाल साम्राज्य बना रहा था और सबसे विशाल साम्राज्य इसी के टाइम पे था, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। तो जो आजू बाजू में जो भी राजाएं निवास करते थे, जैसे नागवंश, वाकटक वंश, इनके साथ वो अच्छे संबंध बना रहा था, अपने साम्राज्य को विस्तार कर रहा था। तो ये समझ में आया आपको, उसने वाकटक के सहयोग लेने के लिए अपने राज्य रोहण के उपरांत अपनी पुत्री, देखो पुत्री हुई थी उसकी, प्रभावती गुप्त का विवाह वाकटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया। उसने अपनी पुत्री का विवाह वाकटक नरेश रुद्रसेन से कर दिया। वाकटक उस समय आधुनिक महाराष्ट्र प्रांत के शासन करते थे, जो वाकटक वंश था उस समय आधुनिक प्रांत में शासन करते थे। कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई और प्रभावती गुप्त वाकटक राज्य की संरक्षिका बन गई, क्योंकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन अवयस्क थे, यानी छोटे थे, वयस्क नहीं हुए थे, इसलिए वह संरक्षिका बन गई। उसके बाद देखिए, इसी के शासनकाल में यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में सखों को हराकर उसने गुजरात काठियावाड़ को अपने साम्राज्य में मिला लिया और सकारी कहलाया। ये क्वेश्चन आएगा, सखों पर विजय प्राप्त चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 3 अभिलेख पूर्वी मालवा से मिले हैं, प्राप्त हुए हैं, जिसमें सख विजय की सूचना मिलती है। जिससे क्वेश्चन आएगा किससे मिलती है, तो पूर्वी मालवा में जो अभिलेख मिला है उससे मिलती है सख विजय की सूचना। इसका जो प्रथम अभिलेख भीलसा के समीप उदयगिरी पहाड़ी से भी मिला है, जो उसके संधि विग्रह वीरसेन सौ का है, याद रखना है। दूसरा अभिलेख उदयगिरी से मिला है, जो कि सामंत सनकनी महाराज का है, जबकि तीसरे में पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है, जो सैकड़ों युद्ध का विजेता तथा इसके शासनकाल में प्रदेश का भूभाग उज्जैन विद्या का प्रमुख केंद्र था, तो इसके टाइम पे ये सब अभिलेख मिले, जिसमें बताया गया है कि ये एक अच्छा योद्धा भी था, अच्छा व्यक्ति था, अच्छा राजा हुआ करता था, इनके बारे में लिख रखा है। अब चलते हैं आगे। यहां चंद्रगुप्त से तात्पर्य चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से था। अनुश्रुति के अनुसार इसके दरबार में 9 विद्वान की एक मंडली भी थी, जिसे नवरत्न के नाम से जाना जाता है। तो ये समझ में आया आपको, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में ही नवरत्न हुआ करते थे। नवरत्न कौन से हुआ करते थे बता रहा हूं मैं बोल के, एक कालिदास हुआ करता था, जो कालिदास इसके नेतृत्व कालिदास कर रहे थे, जो नवरत्न थे उसके नेतृत्व कालिदास हुआ करता था। इंपॉर्टेंट है, देखो यहां से बताता हूं मैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एक तो कालिदास को आप जानते ही हैं, कालिदास है ना, महान कवि कालिदास विक्रमादित्य के दरबार में था, भारत का शेक्सपियर कहते हैं कालिदास को। उसके बाद धन्वंतरी नामक एक विद्वान भी इसके दरबार में हुआ करता था। ये धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहते हैं।
धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहते हैं, और जो आयुर्वेद दिवस होता है, आयुर्वेद दिवस, वो इन्हीं के जन्म दिवस पर धनतेरस को मनाया जाता है। जब भी हर साल दिवाली के बाद धनतेरस आता है, दिवाली के पहले आता है, दिवाली के पहले जब भी धनतेरस होता है, उसी दिन आयुर्वेद दिवस भी होता है, जो धन्वंतरी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, याद रखना है। जब धनतेरस होगा, जब ही आयुर्वेदिक दिवस होता है, उस हर साल अलग अलग तारीख को आता है। उसके बाद बात करते हैं अमर सिंह। अमर सिंह भी इसके दरबार में था फ्रेंड्स, अमर सिंह, याद रखना है इसका नाम। उसके बाद वारा मिहिर भी इसी के दरबार में रहे हैं। वारा मिहिर आप जानते हैं, वारा मिहिर का जन्म कहाँ हुआ था? ये खगोल विज्ञान विषय पर आधारित इनकी एक वो भी लिखे, पंच सिद्धांतिका इन्होंने लिखा है, और ब्रह्म संहिता, बृहत संहिता है, सॉरी, एक और बृहत संहिता ये भी इन्होंने लिखे वारा मिहिर ने। और वारा मिहिर का जन्म हुआ था उज्जैन के कायथा में। कायथा में ये भी क्वेश्चन आ जाता है, वारा मिहिर का जन्म हुआ था उज्जैन के कायथा में। एक संकु संकु नाम के भी विद्वान थे इन्हीं के दरबार में। एक बेताल भट्ट नाम के विद्वान भी इन्हीं के दरबार में थे। इनके दरबार में एक घट खरपर नाम के विद्वान भी थे, नवरत्नों में से एक, और एक थे वर रुचि नाम के भी थे, और एक थे छपड़क छपड़क। ये नव विद्वान थे, नवरत्न थे इसके दरबार में, राजा विक्रमादित्य के दरबार में। और इनके अलावा भी आगे चलते हैं। इसका नेतृत्व तो कालिदास कर रहे थे। इन्हीं के शासनकाल में उज्जैन को मगध की इन्हीं के शासनकाल में उज्जैनी को मगध की दूसरी राजधानी के रूप में विशेष रूप से विकसित किया गया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, विक्रमादित्य की राजधानी कौन सी थी? तो उज्जैन थी, उज्जैनी थी, उस टाइम पे उज्जैनी नाम था, तो विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैनी थी। जब तो अपन सुनने मिलता है और पढ़ते हैं कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य, तो यही है, इसी के दरबार में कालिदास थे। देखो ये मगध तरफ के थे, तो गुप्त वंश पूरा फैला हुआ था उत्तर भारत में। तो एक राजधानी पाटलिपुत्र थी इनकी, जो पहली राजधानी थी, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र ही थी, लेकिन उज्जैनी को दूसरी राजधानी के रूप में विकसित किसने किया? राजा विक्रमादित्य ने, जिसमें शीघ्र ही वैभव तथा समृद्धि में पाटलिपुत्र का स्थान ले लिया था। किसने? उज्जैनी ने पाटलिपुत्र का स्थान ले लिया था। उसके बाद आपको मैं बता दूं, यहां से देखो राजा विक्रमादित्य के दरबार में और भी विद्वान रहे हैं। देखो यहां पे आगे आएगा अभी, ये श्रेष्ठ विद्वान और विद्वान थे जिनका नाम मैं आपको बोल के बताता हूँ। नौ रत्नों के अलावा भी और विद्वान रहे हैं, जैसे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भी इसी के दरबार में था, यानी गुप्त गुप्त टाइम के ही हैं वो। आर्यभट्ट सूर्य सिद्धांत दिया था आर्यभट्ट ने। इनके अलावा एक और विशाख दत्त का नाम सुनोगे आप, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक एक ग्रंथ लिखा है, तो याद रखना है, ये भी इनके दरबार में था, विशाख दत्त। क्षुद्रक नामक एक विद्वान भी इसी के दरबार में था, तो याद रखना है ये क्षुद्रक। क्षुद्रक ने मृक्षकटिकम नामक एक ग्रंथ लिखे। क्षुद्रक के बाद है ब्रह्मगुप्त, ये भी एक विद्वान रहे हैं इन्हीं के दरबार में। ये ब्रह्मगुप्त, इन्होंने ब्रह्मगुप्त सिद्धांत प्रतिपादित किया था, वही सिद्धांत के आधार पर जिसे बाद में न्यूटन नाम के जो साइंटिस्ट थे, जिन्हें उसे बाद में न्यूटन ने गुरुत्व आकर्षण के नाम से प्रतिपादित किया था। तो ब्रह्मगुप्त ने ही पहले सिद्धांत वाला दे चुके थे, गुरुत्व आकर्षण वाला, तो याद रखना है। क्या समझ में आया यहां से? ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसे बाद में न्यूटन ने गुरुत्व आकर्षण के नाम से प्रतिपादित किया। विष्णु शर्मा भी इन्हीं के टाइम के हैं, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कहानियां लिखी है। क्वेश्चन आता है, पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने। इन्हीं के टाइम पे एक और थे भास्कराचार्य। ये भास्कराचार्य जो थे, इन्होंने बीजगणित के विशेषज्ञ थे।
तो इतने विद्वान रहे हैं इनके टाइम पे, तो याद रखना है। तो आगे चलते हैं यहां से, मृक्ष कटिकम, मैंने बताया क्षुद्रक ने लिखे, से ज्ञात है कि यहां अनेक श्रेष्ठ और सौदागर निवास करते थे। धना श्रेष्ठ और सौदागर निवास करते थे। इसी के काल में उज्जैन व विदिशा का प्रमुख व्यापारिक नगरों में स्थान था। इसी के काल में उज्जैन और विदिशा का प्रमुख व्यापारिक नगरों में स्थान था। समझ आया आपको? तो ये देखो, ये अपन ने पढ़े क्या, विक्रमादित्य। आगे की कहानी मैं आपको यहाँ से बोल के बता देता हूँ, इसमें लिखा हुआ नहीं है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में पढ़े। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद राजा बनता है कुम्हार गुप्त राजा बनता है। उसके बाद भी 100 साल तक के गुप्त पीरियड रहा है, तो कुम्हार गुप्त राजा बनता है फ्रेंड्स। और कुम्हार गुप्त राजा बनता है, चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा बेटा था ये। और इसी के काल में, कुम्हार गुप्त के काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था। ये याद रखना है, कुम्हार गुप्त के काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था। कुम्हार गुप्त के बाद स्कंद गुप्त राजा बनता है, और ये हूणों को पराजित करने वाला पहला शासक था, यह भी पूछा जाता है। हूणों को पराजित करने वाला पहला शासक, एशिया का पहला शासक था स्कंद गुप्त, है ना, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, स्कंद गुप्त के बाद भानु गुप्त शासन करता है, भानुगुप्त। और इसकी जानकारी, भानुगुप्त की जानकारी सागर के एरण अभिलेख से मिलती है, जिसमें सर्वप्रथम सती प्रथा की जानकारी मिलती है, जिसमें किसी भोजराज की पत्नी को सती किया गया था। तो यह है भानुगुप्त, समझ में आ गया। इसकी जानकारी सागर के एरण अभिलेख से मिलती है, जिसमें सर्वप्रथम सती प्रथा की जानकारी मिलती है। सती प्रथा की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है, अगर क्वेश्चन आएगा, एरण अभिलेख से मिलती है, वो भानुगुप्त का अभिलेख था। और तो ये समझ में आ गया। तो ये था फ्रेंड्स, हमने जिसमें मध्य प्रदेश के पूरे, यानी ये पार्ट वन था, प्रमुख राजवंश डिस्कस किए हैं। और इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, जिसमें मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश भाग दो डिस्कस करेंगे, जिसमें परमार वंश जो और काम काम के हैं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो मैंने सारा जो भी हो सके तो डिस्कस किया हूँ, वीडियो को ध्यान से देखना है। और हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है कई कई जगह, तो वो उसको आप देख सकते हैं, थोड़ा सा लिखा हुआ है तो उस हिसाब से थोड़ा हिंदी बोलने में दिक्कत जाती है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसा लगा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।